कितने इंच के लोहे भी लगवा दिए भाई? भाई ये 22 इंच के लोहे है। अच्छा 22 इंच है। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज तुम्हारा भाई आया है भाई फरीदाबाद। सारी चीजें ना भाई डिटेल में बात करेंगे और भाई से प्राइस वगैरह सब कुछ पूछेंगे, क्या कुछ भाई ने खर्च कर दिया। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप मत करना भाई बिल्कुल। भाई ये वाली गाड़ी रहने वाली है अपनी और ये वाली गाड़ी है अपने शुभम भाई की। तो क्या हाल है भाई? तो भाई ये बताओ आप कहाँ से हो? फरीदाबाद बल्लभगढ़ से। तो भाई ये अपना स्कॉर्पियो है, कौन सा मॉडल है? 2022 का S5 मॉडल। तो अभी एक बात मैं पूछना चाहूंगा, एक नई भी आ चुकी है अपनी जो क्लासिक करके आई है, वो भाई इसमें पावर इंजन में कम है और बॉडी लाइन भी इसकी बहुत अलग है। अच्छा, और दूसरी तो, जो है वो स्कॉर्पियो है नई। हाँ स्कॉर्पियो एन से नहीं, हमारा क्लासिक से कंपेयर है। तो आपको भी भाई पुरानी वाली बढ़िया लगती है? और मेरे हिसाब से भी ना पुरानी वाली जो स्कॉर्पियो है ना, ये अपनी लुक वाइज भी और वैसे भी बढ़िया लगती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी और इंजन परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो भाई आपके मन में कैसे आया कि स्कॉर्पियो लेनी चाहिए? कोई भी बच्चा पहला गाड़ी चलाएगा ना, उसका पहला ही सपना है स्कॉर्पियो और बाइक में बुलेट, यही रहते हैं। तो भाई ब्लैक स्कॉर्पियो तो सबका ड्रीम है आज के टाइम में, मेरा भी ड्रीम है भाई, आपका भी, मतलब आपका तो पूरा हो गया। हाँ बहुत से लोग हैं जिनका अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो भाई फ्रंट से क्या क्या करा रखा है आपने? भाई मैंने ना वैसे तो S5 से सिलैम कन्वर्ट करा रखी है, मेरा लेने का ही सिलैम का विचार था, पर ये बंद हो के क्लासिक आ रही थी ना तो ये थी नहीं इतनी। मैंने 13-14 दिन के अंदर ली थी, इसका प्रीमियम भी मैंने बहुत भरा। अच्छा, ब्लैक में पैसे, मतलब अंडर टेबल पैसे भी बहुत दिए। हाँ 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 समझ गया। वैसे S5 से सिलैम कन्वर्ट करा रखी है मैंने, ये ग्रीन वगैरह मिरर वाइपर साइड बेल्डिंग, मतलब बहुत सारे काम, मतलब ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अंदर से बात करें, अंदर से बाहर से बात करें, बाहर से पूरी कन्वर्ट हो चुकी है। तो भाई आपने फ्रंट हेडलाइट में भाई LED लगवाई थी मैंने, हेडलाइट चेंज करवाई थी वहीं पे, पर उनमें प्रोजेक्टर रहता है उससे इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, इस वजह से मैंने LED S5 ये हेडलाइट का S5 की रहने थी, पर इनमें LED डलवा दी मैंने। अच्छा LED डलवा दी, तगड़ी वाली। तगड़ी वाली तो कितने वोट की अप्रोक्स? जीवा कंपनी 130 वोट की। 130 मतलब तीन पेयर रहते हैं, 6 लाइट है टोटली। और भाई आपने मेरे ख्याल से रूट्स वगैरह भी लगवा रखे हैं? 4 रूट्स लग रहे हैं भाई इसमें। अच्छा 4 रूट्स लगवा रखे हैं। और ये जो फ्रंट वाली जो क्लाइडिंग है, ये अपना स्किड गार्ड ये लगवा रखा अलग से? एबीएस गार्ड लग रहा है क्योंकि वो जो वैसे लोहे वाले बम्पर रहते हैं वो बैन है। हाँ, जो एयर बैग वगैरह नहीं खुलता एक्सीडेंट होने। हाँ, हाँ, तो इस वजह से ये एबीएस गार्ड में, मतलब वर्किंग है सब चीज इसमें कि अगर एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग में सब। और बात करें भाई साइड से, तो आपने कितने इंच के अलॉय भी लगवा दिए भाई? भाई ये 22 इंच के अलॉय है। अच्छा 22 इंच है। तो भाई जैसे लोग 24 इंच लगवा रहे हैं, आपने 22 इंच? भाई 24 इंच का ना उसमें बहुत सारी चीज है, बॉडी की आगे से ये दोनों साइड कटिंग की भी, हाँ ये वाला पार्ट भी काटना पड़ता है और वो वाले भी, और उसमें फिर स्टॉकर में घुटके भी लगते हैं। हाँ स्टॉकर के अंदर, अभी तो इसके अंदर तो नॉर्मली हो गए, बस प्लेग एंड प्ले वाला सिस्टम था, वो जो पहले थार वाले थे वो उतर के ये लग गए। अच्छा पहले थार वाले लगवा रहे थे इससे पहले? उससे पहले उनमें जो आते हैं ओरिजिनल कंपनी। अच्छा पहले ओरिजिनल वाले लगवाए थे जो S11 में आते थे, फिर उसके बाद थार वाले, फिर थार के बाद अभी ये लगवाए। तो ये कौन सी कंपनी के है भाई? कॉन्टिनेंटल कंपनी के। कॉन्टिनेंटल के है। अच्छा तो इनकी क्या कुछ कॉस्ट पड़ गई थी आपको? कॉस्ट भाई मुझे टायर महंगे पड़े क्योंकि
टायर मैंने ब्रांडेड कॉन्टिनेंटल लेना है, कॉन्टिनेंटल चेक कर लेना आप, 32,000 का एक टायर है, पर एक नॉन थे उन्होंने मुझे 25,000 रुपए पर टायर दिलवाया, मतलब डिस्काउंट दिला के 1,00,000 के इसमें 4 टायर डल रहे हैं और 95,000 के लॉयल है, जिसमें मेरे 20,000 के माइनस हो गए, मुझे 75,000 1,75,000 पड़ा, मतलब टोटल 4 टायर का पड़ा। अच्छा, चारों टायर आपको पड़े 1,75,000 रुपए के पुराने वाले माइनस करके। तो कैसा लगता है अभी चला के, मतलब भाई अच्छा, लुक वाइज भी बहुत प्यारी लगती है, थोड़ी स्टेबिलिटी भी और बढ़ गई थार वालों से भी ज्यादा। हाँ, पर वही है 100 के बाद चलाने में थोड़ी बबलिंग है, मतलब कंफर्ट है अभी, कंफर्ट 80 तक पूरा कंफर्ट है। अच्छा हाँ। थोड़ा 100 के ऊपर जाने के बाद थोड़ी बहुत बबलिंग, थोड़ी बहुत बबलिंग, मतलब इतना भी ऑपरेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। आप 22 इंच लगवाओगे शायद, इतना ना ही लेके जाते होगे 22 इंच भाई, लोकल लोकल गेड़ी मारने नहीं, वैसे तो बहुत दूर दूर ले, हरिद्वार ऋषिकेश नहीं, मेरे कहने का मतलब है 100 से ऊपर तो लेके वैसे ही ना जाते होगे आप। एक्सप्रेसवे पे चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गड्ढे गड्ढे बहुत देख के चलाने पड़ते, प्रोफाइल बहुत कम है, 40 प्रोफाइल। हां हां, इनमें ना भाई रिस्क रहता है, तो रिस्क पे ही रहता सब कुछ भाई। बाकी आपने जेड ब्लैक भी करवा रखी है, तो जेड ब्लैक तो रिकमेंड है नहीं, आप कैसे चला लेते हो भाई? जेड ब्लैक के बिना गाड़ी नहीं चलती, मुझे मुझे ऐसा लगता है अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो बाहर से मुझे कोई ना देखे, बेशक मैं अकेला हूँ या मेरे फ्रेंड है या कोई भी है मेरे साथ, अपनी एक होती है ना पर्सनल प्राइवेसी टाइप, वो मुझे चाहिए, मैं जेड ब्लैक ही रखता हूँ गाड़ी। बाकी भाई अगर गाड़ी ऐसी हो गैंगस्टर वाली तो जेड ब्लैक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी भाई आपने बैक से क्या करा रखा है? बैक से भाई इसमें एक तो वाइपर लगवाया था। अच्छा, ये भी आपने बाहर से करवा रखा है? बाहर से लगवाया था, ये आते नहीं प्लेन आते हैं ये लगवाए थे, अब लाइट वगैरह तो अब आ गई है पर उस टाइम पे नहीं थी लाइट, उस टाइम पे हाँ ये प्लेन वाला आता था तो ये लगवा दिया। और एक ये चेंज था, एक भी मैट आता है, एक क्रोम में लगवाया और एक ये लगवाया था सेफ्टी के। प्रॉपर मतलब पूरी कन्वर्ट करा रखी है, और मेरे ख्याल से ये भी लगवा रखे है रिफ्लेक्टर। तो क्या कुछ कॉस्ट पड़ गई थी अपने वाइपर की अगर बात करें तो? भाई वाइपर की मेरे ख्याल से वर्किंग वाला 13,000 रुपए का है, और डमी वाला मेरे ख्याल से 4,000 रुपए के आसपास, 4,000 रुपए के आसपास। तो ये वर्किंग है डमी? ये वर्किंग है भाई, वर्किंग वाला 13,000 रुपए वाला है। और भाई अपना ये स्किड गार्ड वगैरह आपने लगवा रखा है? पीछे वाले पे चलानी है, पीछे लगवा देते हैं, पीछे बाइक अगर वगैरह हो ना गाड़ी पे मारते रहते हैं। हाँ वो तो गलती भी नहीं, जानबूझ के बहुत से तरीके के लोग होते हैं, पर अपनी सेफ्टी के लिए मैंने ये लगवा रखा है। हाँ पीछे तो यही रहता है कि कोई ना कोई गाड़ी टच होती रहती है। बाकी भाई आपने ये कितने रुपए के लगवाए थे? ये तो भाई नॉर्मल 1,000-1,200 रुपए के मिले, 1,000-1,200 रुपए के। अच्छा, सारा काम आपने यहीं से करवा रखा फरीदाबाद से? नहीं, सारा काम भाई मैंने अलग, मतलब जो बेस टू टॉप वाला काम था वो तो मैंने सारा करोलबाग से कराया था, चामुंडा नाम है उनका। अच्छा, चामुंडा भैया से करा रखा है। और बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह वगैरह का पहले करवाया था भाई लोग देखने वाले से, उसके बाद अपडेट वगैरह वो हमारे अपने लोकल ही फरीदाबाद में करवाया। अच्छा, और मेरे ख्याल से आपने हूटर वगैरह भी लगवा रखा है? हूटर है भाई। तो कितने बाल्टी लगवा रखा है? दो बाल्टी लगवा रखा है, पहले 4 थे और दो, मतलब सेम सी आवाज थी ज्यादा नहीं, फिर दो करवा दिए मैंने, उससे पहले रिमोट वाला लग रहा था जो म्यूजिक के सारे आते। हाँ वो अलग अलग ट्यून वाले, तो अभी 1 एम से 2 हूटर चल रहे हैं। तो भाई अपना S5 में ये वाले ट्रिम्स आते हैं या फिर कन्वर्ट कराए? ये भी आते भाई, पहले आते थे, पहले अब वाले। अच्छा, पहले के टाइम में ही आते थे? यही आते थे। आ जाओ अंदर। वेलकम टू स्कॉर्पियो भाई, ये वाला तो फ्यूचर अपना बढ़िया ही लगता है, वेलकम टू स्कॉर्पियो वाला। मेरे ख्याल से आज के टाइम में तो किसी भी उसमें आ ही नहीं रहा है। नहीं अब S11 में आ रहा है, वो भी शायद बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया, अब उन्होंने, पहले आता था अब नहीं आ रहा। और भाई अंदर से आपने क्या क्या करा दिया? अंदर से भाई स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह लगवाया, ये चेंज करवाया था। अच्छा, स्टीयरिंग पूरा चेंज करवाया था, टॉप मॉडल का लगवा दिया, चेंज करवाया था, मीटर चेंज करवा रखा है, और एक बैजिंग वगैरह वो। अच्छा, ये बस एक ये लगवाया था। और भाई आपने सिस्टम वगैरह में क्या करवा रखा है? सिस्टम में भाई पायनियर के कंपोनेंट लग रहे हैं, पायनियर के 2 ओवल स्पीकर लग रहे हैं, पायनियर की चैंपियन सीरीज लग रही है, मतलब पायनियर ही, मतलब टोटल पूरा पायनियर का सिस्टम लग रहा है। तो ये कहाँ से लगवाया था आपने सिस्टम? भाई ये सिस्टम पहले जो स्टार्टिंग लगाया था करोलबाग से, फिर करवाया था मोडनेशन वाले से, मोडनेशन ये अपना प्रतीक भाई, प्रतीक वैसा नोएडा वाले। अच्छा, फिर उसके बाद करवाया था, अब ये मैंने थोड़ा बहुत चेंज कराया, मैंने यहीं से अपने लोकल फरीदाबाद से करवाया। तो भाई एक बार सिस्टम और सुनाते हैं, फोन वगैरह लगा लेना, बेटर वॉइस मिलेगी आपको। What you know about rolling down in the deep? That I'm cool, I'm like, yeah, that's true, I believe in D.O.D., don't believe in D.H.O.D.
भाई अपना सिस्टम तो बहुत कैड़ा बज रहा है। अच्छा इसमें ये बताओ, जैसे अपने पाइनियर के ना दो सीधे आते हैं, एक D2 करके और एक D4 करके, तो आपने कौन से लगवा रखे हैं? ये भाई D4 लग रहे हैं, 12-12 D4 दो लगवा रखे हैं आपने, लग रहे हैं चैंपियनशिप। अच्छा तो अगर अभी बात करें टोटल कॉस्ट की, तो कितने रुपए लगा रखे आपने भाई गाड़ी पे? कभी वैसे काउंट तो नहीं करा मैंने, रियली बताऊं, क्योंकि जो चीज पसंद आ गई वो लगवानी है, वो कुछ भी है बेशक। जैसे मान लो ये 75 के लगे थे, म्यूजिक सिस्टम भी होगा मेरे ख्याल 60-65 हजार रुपए का। तो मुझे तो कुछ नॉलेज भी नहीं, क्योंकि कई बार तो इसके एम्प बदल चुके हैं। अब इसमें एक एंटीफायर लग रहा है, एक SNB का लग रहा है और एक मोनो एम्प लग रहा है SNB का। अच्छा बदलते रहते हैं एम्प वगैरह, तो ऐसे पैसे की तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि पहले थार वाले अलॉय भी लगवा लिए, उससे पहले म्यूजिक सिस्टम कुछ और था, 4 बार हूटर बदल गए। मतलब अगर अभी करंट में बात करें तो अभी जितना मोटा मोटा तो भाई अभी अलॉय लगवाए थे 6 महीने पहले 1,75,000 रुपए के, अगर अभी बात करें तो 3 लाख रुपए तो लगे हुए हैं। 3 लाख रुपए लगे पड़े आराम से लगे अभी के टाइम में, और जो पहले लग गए वो अलग है। तो अभी के टाइम में भाई देख लो 3 लाख रुपए के आसपास लग चुके हैं, और पहले के जो लगे हुए वो तो अभी जोड़े ही है इसमें। बेस टू टॉप मॉडल में भाई 1,70,000 के आसपास, 60-70 के आसपास उसमें खर्चा हुआ था, बिल भी पड़ा है, हो गया शेयर कर दूंगा, वो तो गाड़ी मिलते ही डिलीवरी होते ही पहले वो काम हुआ था। अच्छा भाई जैसे आपने बेस टू टॉप करवाई थी, तो लोग कहते हैं कि बेस टू टॉप करवाने में ना मतलब शुरू में सही लगता है, उसके बाद में दिक्कतें आने लगती है। कहने वाली बात है सब, शौक की कोई कीमत नहीं, और कोई मतलब ऐसे ऐसे भी बंदे दिखा दूंगा मैंने, आपने गाड़ी आते ही पूरी गाड़ी खुलवा देते हैं, मैं भी था उनमें से, पूरी गाड़ी खुल गई थी मेरी आगे मेरे सामने। कोई बंदा अपनी गाड़ी में स्क्रैच नहीं मानना चाहेगा, बैक वाइपर के लिए ड्रिल हुआ था इतना बड़ा। अच्छा मेरे आंखों के आगे हुआ था, मेरे दिल पे क्या बीत रही थी मुझे पता, वो ये शौक है, करवाना पड़ता है, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई, ये तो है, या तो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल आप ही को देखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी भी आप ही की है, अगर कराना है। नहीं है कि क्या नाम है, आफ्टर मार्केट काम कर, प्रॉपर काम करने वाले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ शॉप वाले होते हैं जो नए बंदे पे जाके तुम काम करोगे देखो दिक्कत तो आनी है, जिसका नाम है वो किसी वजह से ही नाम है। हाँ वो ये एक्सपीरियंस बंदे जो होते हैं ना उनसे काम करवाओ, ये अनाड़ी बनाड़ी से तो भाई काम करवाओ, भाई काम सबका चलना चाहिए, पर भाई वो सोच समझ के करवाओ, जो काम कराने का वो कराओ। दो पैसे बचाने के चक्कर ना आदमी परेशान हो जाता है। अब मेरी नजरों में पब्लिक अलॉय भी लगवाती है, बहुत अच्छी चीजें लगवानी भी चाहिए, और हर किसी का पैसे को भाई अपना अपना हिसाब होता है। पर आदमी ना एक बार जैसे मान लो अगर अलॉय भी ले भी रहा है या टायर ले रहा है, तो थोड़ी ब्रांडेड कंपनी के ऐसे ले ले कि दिक्कत आगे न... आप एक चीज सस्ती चीज ले ली मान लो, उसके बाद वो सस्ती चीज लेने का आपको 10 बार परेशान करेगी, आप एक बार ही पैसा इतना खर्च कर दो कि आपको परेशानी ही ना हो। हाँ यही होता है भाई, वही होता है ना कि एक बार लगा दो पैसा, बार बार एक बार महंगा रोए एक बार, बस ये होता है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये चीजें होती है भाई। तो एक बार डिग्गी में और दिखा देते हैं। तो भाई देखो डिग्गी में अपना भाई ने चैंपियन के 2 सबवूफर लगवा रखे हैं अपने, हाँ ये ट्यून पेटी, तो ये आपने वहीं से कराई थी मॉडर्नाइजेशन से? अच्छा ये वाला काम अपना फरीदाबाद से करवाया है, बाकी सारा काम मॉडर्नाइजेशन से करवाया था। तो भाई रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा था इनका, बढ़िया लग रहा था। तो भाई ये थे कुछ वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना भाई, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्कॉर्पियो में भाई क्या बढ़िया लगा, और मेरे हिसाब से तो भाई गाड़ी एक नंबर बना रखी है भाई ने, तो आप लोग भी बताना।